अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हुरारा और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नादरा की ऑफिशियली वेबसाइट पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, तो वो आपने वीडियो देख ली होगी और उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा और उस तरह भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं आपको इसमें बताऊँगा कि हम अकाउंट तो क्रिएट कर लिया और उसके बाद हमने जो आईडी कार्ड CNIC नंबर के थ्रू आईडी कार्ड चेक करना है वो किस तरह कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले कोई सब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसके बाद नादरा के ऑफिशियल वेबसाइट लिखे nadra.gov.pk ऐसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये मेरा अकाउंट लगा हुआ है तो सेव है, आपने तो बनाया होगा जो भी, तो इधर से हमने एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट एंड एग्री कर लेना है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इस टाइम हम जो है वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, मतलब किसी का भी आईडी कार्ड नंबर देखना चाह रहे हैं, तो इधर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आपने फैमिली का फैमिली मेथड देखना है तो वो, नहीं तो आप आईडी कार्ड चेक करेंगे। सॉरी तो ये आईडी कार्ड इधर, और इधर से करने के बाद इधर हम आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे इस वाले ऑप्शन पे। तो जैसे आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे तो आईडी कार्ड शो हो जाएगा। तो आईडी कार्ड शो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि किसी का भी आईडी कार्ड मैं शो नहीं करना चाहता। आप जाएँ अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद इधर आपकी अपना ही CNIC नंबर लिखें और आपको पता चलेगा ये फेक है ओरिजिनल। हाँ, ये बहुत ये 100%, मतलब 100% ये वर्किंग है, मतलब ये फेक नहीं है। तो मैंने जो निकाला था तो दिखा देता हूँ, इस तरह का फुल क्लियर मैं बंद कर देता हूँ, फुल क्लियर आएगा। ओके, फुल क्लियर आएगा, आपकी फोटोस्टेट कॉपी ले सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कॉपी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।